नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि की तथा उनके महत्व के बारे में कि व्यवहारिक स्थिति में हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और उनसे क्या लाभ उठा सकते हैं। और आप सबसे पहले आपसे एक निवेदन, प्लीज इस वीडियो का पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल भव्य ज्योतिष से। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। पहले हम बात करेंगे लग्न राशि की कि लग्न राशि क्या होती है। हमने एक उदाहरण कुंडली ली हुई है, आप अपनी जीवन चार्ट को ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण कुंडली पे आपको बताऊंगा। आप ये देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लग्न राशि की। आपको पता है, मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया है कि ये जो पहला भाव होता है वो लग्न भाव होता है, लग्न भाव होता है। और लग्न भाव में जो राशि होगी वही लग्न राशि कहलाएगी, वही लग्न राशि होती है। जैसे कि इस उदाहरण कुंडली में लग्न में सिंह राशि है तो लग्न राशि सिंह राशि होगी। और ये कैसे बनती है, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा भचक्र है, हमारा भचक्र घूमता रहता है। आप ये देखिए, हमारी 12 राशियां हैं और एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटों के अंदर प्रत्येक राशि को उदय होने का अवसर मिलता है। मतलब लगभग एक राशि को 2 घंटे के आसपास का समय मिल जाता है। और जब किसी जातक का जन्म होता है, पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदय हो रही होती है और उस उदय हुई राशि को हम अपनी लग्न राशि कहेंगे, और जो कि हमारी पूर्वी क्षितिज पे उदय होगी जन्म के समय वो हमारी लग्न राशि कहलाएगी। और आप ये देखिए, यहाँ पे राशि है लग्न में सिंह राशि है तो यहाँ पे लग्न राशि सिंह मानी जाएगी। आप ये देखिए, अब इसका महत्व क्या होगा, क्या महत्व है इसका कि हमने ये 5 नंबर इसमें दिखा दिया। इसका महत्व ये होगा कि जो हमारा लग्न भाव है, जो हमारा पहला घर है, वो व्यक्ति का तन भाव है, वो शरीर भाव है, वो उसका शारीरिक ढांचा है। जैसी राशि होगी और जैसे ग्रहों का प्रभाव लग्न पे होगा वैसा ही व्यक्ति का तन शरीर शारीरिक ढांचा होगा और व्यक्ति के प्रभाव और विशेषताओं को पता चलता है। अभी बात करी हमने लग्न राशि की, अब आगे बताते हैं हम आपको चंद्र राशि। चंद्र राशि क्या होती है, अब ये की है जीवन चार्ट है। इस जीवन चार्ट के अंदर, इस लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे वो राशि आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। यहां पर देखिए, चंद्र धनु राशि में बैठे हैं तो चंद्रमा की जो राशि है वो, या कहेंगे चंद्र राशि धनु कहलाएगी। इसको आप चंद्र राशि बोलिए, नाम राशि बोलिए, जन्म नाम राशि बोलिए, यही हमारी चंद्र राशि कहलाएगी। आपने देखा होगा इसका क्या महत्व है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है। और जैसा कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे उस वो राशि कैसी है, यहां पे जैसे धनु है और उस पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है, उस तरीके से उसी प्रकार से व्यक्ति का जातक का मन होगा, उसी प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति होगी, उसी प्रकार से उसका स्वभाव होगा। हम इस चीज से पता लगा सकते हैं कि चंद्र किस राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे चंद्र धनु राशि में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति की धनु राशि होगी। टीवी चैनलों पे राशियों के बारे में जो हमारे ज्योतिषी हैं बता रहे होते हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपकी चंद्र राशि की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि की बात कर रहे हैं और आपकी उससे मन की स्थिति के बारे में पता चलता है। और कई बार आपने देखा होगा कोई आप कोई आयोजन या अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें आपसे जो हमारे विद्वान है, हमारे जो ब्राह्मण है, हमारे ज्योतिषी है वो, और जो हमारे विद्वान है वो आपसे ये पूछते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, और क्योंकि उसी के अनुकूल वो आपको एक मुहूर्त समय बताते हैं जो, और क्योंकि आपकी मन की स्थिति के अनुसार, आपका मन के अनुसार जो चीज फेवरेबल होगी तो आपका मन भी लगेगा, आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और वो आपके अनुकूल होगा। इसलिए हमें चंद्र राशि की जरूरत होती है। और आगे बात करते हैं हम अपनी सूर्य राशि की।
अब इस B1 चार्ट में सूर्य जिस राशि में स्थित होंगे वो हमारी सूर्य राशि कहलाएगी। आप ये देखिए यहाँ पे सूर्य वृषभ राशि के अंदर स्थित है, तो सूर्य राशि जो होगी वो वृषभ होगी। अब सूर्य का क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव है? ठीक है, सूर्य होता है आत्मा का कारण, तो जैसी राशि होगी और जैसे ग्रहों का प्रभाव सूर्य पे होगा व्यक्ति को आत्मीय संतुष्टि कहेंगे या आत्मा पे प्रभाव उस प्रकार से होगा, उस प्रकार से आप उसके आत्मीय प्रभाव को देख सकते हैं, आत्मा की संतुष्टि के प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य जो है वृषभ राशि में है, तो हमने आपको बताया सबसे पहले लग्न राशि के बारे में। यहाँ लग्न राशि सिंह है, चंद्र जिस राशि में उपस्थित होंगे, जिस राशि में बैठे होंगे वो आपकी चंद्र राशि होगी, आपकी नाम राशि होगी, यहाँ पे धनु है, और सूर्य जिस राशि में होंगे वो आपकी सूर्य राशि होगी, यहाँ पे वृषभ है। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।